गाइस मेरा नाम है गौरव। आज इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्लास 10 का चैप्टर 4 है। आज इस वीडियो में आपको पूरा इंट्रोडक्शन जिसके अंदर सारे फार्मूला यानी जो भी जिस मेथड से अपन जो क्वेश्चंस को करने वाले एक्सरसाइज के अंदर वो सारी जो प्रोसेस है वो आपको मैं इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक के अंदर बताने वाला हूं। शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहना इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल आपको आता होगा शायद कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज 2। कैसे कि मैंने लिख दिया एक x² + 8x + 16 ये एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल है जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन कितनी है? 2 है। अगर इसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इसके अंदर अपन को सॉल्यूशंस यानी रूट्स या फिर जीरोस क्या मिलेंगे यानी रूट्स क्या मिलेंगे हमें? रूट्स कितने मिलेंगे? रूट्स भी हमें 2 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 रूट्स मिलेंगे। तो रूट्स को अपन जीरोस भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं। क्यों इसके अंदर 2 क्यों मिलेंगे? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। अगर 3 होती तो 3 मिलते। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक एग्जांपल आपने रखे अपने मन में इमेजिन कीजिए। जैसे कि मान लो x² + मान लो इधर किसी ने लिख लिया 3x³ + 4x + 8 लिख लिया। तो ये यहाँ आप सबसे पहले देख के 2 देख के आप इसको ये मत कह दीजिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन यानी इस पूरी के अंदर सबसे ज्यादा पावर किसकी है? इसकी है। यानी ये तो इसी को ये कौन सी हो गई है? इसको अपन क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। कौन सी इक्वेशन? क्यूबिक इक्वेशन। फिलहाल आपके कोर्स में यही है, क्लास 10 के अंदर यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें जीरोस कितने मिलेंगे? 2 जीरोस मिलेंगे। और जो जीरोस फाइंड करने के अपने मेथड क्या क्या रहता है? जीरोस फाइंड करने के 2 मेथड है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन कौन सा मेथड? और दूसरा मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जैसे हम सिंगल चेरे का फॉर्मूला भी कहते हैं। जैसे कि एक तो होता है मान लो मैंने यही लिया एग्जांपल x² + 8x + 16। अब इसके अगर अपन को फैक्टर्स यानी रूट्स या फिर जीरोस जो भी कहें तो अगर निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है जिसके अंदर इसका कोफिशिएंट लेते हैं और इस कांस्टेंट को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं 16 लेके फिर अपन इसको फैक्टर करते हैं। जैसे इधर 2 हो गया इधर 8 हो गया एंड प्लस माइनस करने पर हमें वो मिलना चाहिए। फिर मैंने मान लो इसके मैं फैक्टर्स करके देखता हूँ कितना आता है। ये इसको 4 से करेंगे 4 हो जाए 16 तो इसका क्या बनेगा x² + 4x प्लस 4x यानी 4 और 4 जोड़ने पर 8 आ रहा है और 4 होल 16 भी आ रहा है प्लस इधर बन गया 16 आता ही होगा। इसमें ये आप 8 क्लास से करते आ रहे होंगे आपको आता ही होगा। तो फिर अपन ये पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। इधर मैंने x ये डिवाइड हो गया x आ गया इससे भी डिवाइड हो जाएगा प्लस 4 कर जाएगा। फिर इसके अंदर भी क्या कॉमन आ रहा है? इसके अंदर आ रहा 4 कॉमन आ रहा है। इसमें क्या आएगा? फिर इसके अंदर 4 को 16 को 4 से डिवाइड करके कितना होगा 4। फिर मैंने लिखा x + 4 फिर मैंने लिखा x + 4 ओके। तो ये x + 4 इज इक्वल टू सबके आगे 0 0 0 0 जरूर लगाना है ओके। फिर ये 2 बन जाएंगे x + 4 इज इक्वल टू 0 ओके। तो ये उधर चला जाएगा -4 ये उधर चला जाएगा -4 दोनों के रूट्स सेम ही निकले हैं ठीक है। अभी अपन इसको एक बार इधर क्या आ रहा है रूट्स की वैल्यू x इज इक्वल टू -4 इधर x इज इक्वल टू -4 एंड दो रूट्स निकलेंगे। अभी वो इक्वल हो या डिफरेंट हो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी चलते हैं एक अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फार्मूले से करके देखते हैं। क्वाड्रेटिक हमारे पास फार्मूला होता है -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² -4 इसे अपन हुए मैं एक बोर्ड पे लिख लेता हूं। इसके ऊपर मैंने पर्सनली एक टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाई थी। ये है हमारे पास फार्मूला -b प्लस माइनस
under root 3 square minus 4 ac upon पूरे के नीचे 2a है और ये x is equal to minus 3 plus minus under root 3 square minus 4 is equal to 2a की फॉर्मूला हमारा मैंने इधर क्वेश्चन क्या लिखा था x square plus 8x plus 16 अभी इससे रूट कैसे निकालते हैं इससे रूट कैसे निकालते हैं जैसे कि जनरल इक्वेशन होती है हमारी a x square plus b x plus c is equal to 0 इंटरपोलेटी is equal to 0 जैसे कि इसके x square के मल्टीप्लाई में क्या है a अभी a की x square का क्या है ये हमें a b c इसके अंदर आपको हर जगह a b c दिख रहा होगा इसके अलावा आपको कोई डिजिट नहीं दिखेगा तो अपन को ये a b c इसके बाय इक्वेशन है इस इक्वेशन में से निकालते हैं जिसकि इस इक्वेशन में से अपन a b और c निकालते हैं जिसकि इसकी a b c के अंदर क्या आ रहा है यानी इधर x स्क्वायर मल्टीप्लाई में a है तो इधर x स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 इधर b इधर x के मल्टीप्लाई में क्या है b है इधर x के मल्टीप्लाई में क्या है 8 और इधर इधर c है c तो कांस्टेंट है c सीधा लिखेंगे 60 is equal to अभी अबे अपन ये जो तीनों वैल्यू है इन तीनों ही वैल्यू को अपन क्या करेंगे इधर इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे अपनी वैल्यूज नीचे दे जैसे कि इन पुट करके ये x फिर ये is equal to minus b तो ये minus अपने और ये 8 फिर प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी है थोड़ी सी प्लस माइनस की गलती करते पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है 8 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू फिर c की वैल्यू 60 ओके अपॉन में क्या आ जाएगा 2 a की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी x is equal to क्या होगा माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 माइनस 64 अपॉन कितना आ जाएगा अपन में आ जाएगा हमारे ठीक है आएगा x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अभी ये 0 हो गया अभी ये रूट अभी 0 का तो क्या ही निकलेगा तो इसके लिए माइनस 8 प्लस माइनस अपन में नीचे क्या जाएगा अभी प्लस माइनस को अपन 0 करके नहीं लिख सकते प्लस 0 अपन 2 फिर इधर दो बार होगी एक बार प्लस में लेना है अपन को रूट को 0 को एक बार प्लस में लेना है यानी रूट 0 का जीरो का रूट क्या होता है जीरो ही होता है जल्दी लिखने में इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 8 एक बार प्लस लेते हैं इस बार इस साइड तो इस बार तो क्या लिखेंगे माइनस लेंगे फिर क्या लिखेंगे रूट जीरो कौन अभी x इज इक्वल टू प्लस जीरो करेंगे तो माइनस 8 की जगह 2 आ जाएगा ये कटेगा तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस करके आएगा हमारे पास माइनस अब इधर क्या आता है एक बार देख लेते हैं x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस एट माइनस जीरो रूट जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है तो अपन इधर नीचे टू देखे क्या एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर क्या हमारी वैल्यू नहीं होती ये कौन से ये इस फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं श्रीधर आचार्य का भी फॉर्मूला इसको बोलते हैं ये है मेथड जिस मेथड से अपन रूट्स फाइंड करेंगे और मैंने आपको अभी तक जो भी चीज़ें थी सब बता दी है जैसे क्या क्या बताया मैंने आपको जनरल इक्वेशन बता दी मैंने आपको और एक फैक्टराइजेशन मेथड बता दिया और एक ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बता दिया और मैंने आपको बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल क्या होते हैं जिसके हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारी डेफिनेशन अभी अपन क्या करेंगे अभी अपन नेचर ऑफ रूट्स समझेंगे क्या समझेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है गाइस ये है नेचर ऑफ रूट्स इसको मैं एक हेडिंग लगा देता हूं नेचर ऑफ रूट्स क्या है ये नेचर ऑफ रूट ये भी एक हमारे नेचर ऑफ रूट्स एक इसका एक पार्ट है नेचर ऑफ रूट्स जैसे आपने इस बोर्ड पे ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये आपको थोड़ा जाने पहचान लग रहा होगा जब अपन ने यही पढ़ा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन गाइस ये अभी अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा इसको अपन एक और तरीके से भी लिख सकते हैं दो तरीका कौन सा है माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट इसको मैं डी लिखूं और अपन में अगर लिखूं टू है तो भी एकदम सही है कोई गलत नहीं करेगा अभी ये जो डी है इसको अपन क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट क्या होता है इसको डिस्क्रिमिनेट और इसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक ओके ये जो डी है उसकी वैल्यू क्या रहती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
अभी ये जो अपन नेचर ऑफ रूट समझ रहे हैं इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जो आपको दिख रहा हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसको कहीं कहीं क्या लिखा भी है, ऐसे भी लिखा आता है ये d और ये 0 और ये d is equal to 0 और ये क्या आता है d, इसकी जगह आप क्या कर रहे हैं ना, इसकी जगह आप ये वाला निशान लगा रहे हैं, आप ये वाला सिंबल लगा रहे हैं, साइन लगा दीजिएगा, ठीक है, कौन सा ये, ओके, ये क्या है, अभी आपको इसको समझाते हैं, ये क्या चीज है, ये है नेचर ऑफ रूट्स, मैंने ये आपको समझना आ चुका होगा कि इसको बफर इस तरीके से लिख सकते हैं, और जो डी के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर कहीं पे अगर डी लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ओके, नेचर ऑफ रूट्स ये किस चीज के लिए है, इसकी क्या काम आते हैं सब पता, सब हमने आपको बताता हूँ, जैसे कि ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है और मैंने इधर एक इक्वेशन ली है बी टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, अब इस इक्वेशन के अंदर मैं ये पता लगाऊंगा 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0, इस इक्वेशन के अंदर मैं ये पता लगाऊंगा कि इसके जो रूट्स निकलेंगे वो रूट्स निकले हैं, इसके रूट्स हैं रियल रूट्स हैं या नहीं है, और है तो डिफरेंट है या इक्वल है, जैसे कि फर्स्ट जैसे कि अपने पास एक जो संभावना दी गई है वो है b square minus 4 ऐसे अगर बड़ा है किससे 0 से, जैसे कि आप इसकी a की वैल्यू क्या रहेगी 2, b की वैल्यू इसकी क्या रहेगी माइनस सिक्स, s की जो ध्यान रखना है अपन के पूरा माइनस सिक्स b की वैल्यू रहेगी, ओके, फिर इधर c की क्या रहेगी 3, अभी अपन इसके पहले चेक करते हैं कि इसके ये इसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे, b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ओके, अभी पहले इसको अभी b स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, अभी इसके अंदर अपन वैल्यू शूट करेंगे, जैसे क्या आया b स्क्वायर की वैल्यू ये इतनी है माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू ये और सी की वैल्यू है थ्री, क्या रहेगा सिक्स का स्क्वायर 36 और फोर टू या एट और एट थ्री या 24, 36 में से माइनस 24 चलेगा कितना बचेगा 6 का और ये 12, यानी क्या है ये बड़ा है, क्या है बड़ा है, यानी ये जीरो से क्या है बड़ा है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि b किससे बड़ा है जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ये देखिए फर्स्ट वाली चीज आ रही है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो b है वो बड़ा आ रहा है, यानी b स्क्वायर माइनस फोर इससे बड़ा आ रहा है किससे जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा आ रहा है तो क्या रहेगा रियल रूट्स निकलेंगे, रियल रूट्स टू रियल रूट्स निकलेंगे, और रियल रूट्स कैसे निकलेंगे डिफरेंट निकलेंगे, जैसे कि अभी जो कपल ने फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया तो उसके अंदर माइनस फोर और माइनस फोर दो जीरो निकले थे पर दोनों सेम निकले थे, वो कौन सी कैटेगरी थी ये वाली बी स्क्वायर माइनस फोर एस इज इक्वल टू जीरो, कौन सी थी बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये सेकंड वाली थी, ओके, अभी ये जो अपन ने पी पार्ट इक्वेशन का पता लगाया वो कौन सी फर्स्ट वाली, अपन को पहले पता नहीं था ये फर्स्ट वाली है, अपन को पता चला इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, जैसे कि इसके अभी जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे रहेंगे सिमिलर नहीं रहेंगे यानी सेम सेम नहीं रहेंगे, जैसे कि मैं एक आया फोर और एक आया सिक्स, एक आया फोर एक आया सिक्स या फिर एक आया एट या फिर यानी डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट, और वो जो नंबर्स होंगे वो किस किधर से लेके होंगे वन से लेके इंफिनिटी तक यानी जो भी नंबर आएगा, ओके, इस वो क्या है रियल रूट्स निकलेंगे इसके, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी जो टू रियल रूट्स है टू रियल रूट्स जैसे कि मैंने अभी ये जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स इज इक्वल टू क्या था एट एक्स प्लस सिक्सटीन था, यानी उसके अंदर वैल्यू क्या गया थी ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू एट सी इज इक्वल टू सिक्सटीन, अगर अपन इसको सॉल्व करें ये बस सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इसकी जो यानी अपन ने जो फैक्टर्स निकाले वो क्या आए थे इसके माइनस फोर ही आए थे, अभी पता लगा था कि इसके जो माइनस फोर और माइनस फोर सेम सेम आ रहे हैं दोनों ही सेम है तो ये वाली स्थिति आनी चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस फोर से इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अब पता लगा जैसे कि माइनस बी, अब इसके अंदर बी स्क्वायर है माइनस यानी पूरा फॉर्मूला तुम देख देना बी स्क्वायर माइनस फोर ए से इसके ऊपर रूट भी नहीं है ये भी ध्यान रखना, और फॉर्मूले के अंदर रूट है
माइनस फोर है, एक बार अपन ये सारी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, बी की वैल्यू कितनी है थीटा स्क्वायर माइनस फोर, और ए की वैल्यू है ये, और सी की वैल्यू कितनी है 64। अभी एट का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये माइनस फोर और ये 16 कितना हो जाएगा, ये माइनस फोर और ये 16 कितना हो जाएगा 64। अब कट जाएगा ये तो किससे बराबर आ जाएगा जीरो, यानी कट के जीरो हो जाएगा माइनस 64 और माइनस 64 तो जीरो हो जाएगा, माइनस 64 में 64 गए के अंदर से जीरो ही बचे, यानी जीरो के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया जीरो के, यानी डी के बराबर आ गया। डी के बराबर आते ही क्या हुआ, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी उनको रियल मिलेंगे रूट्स, यानी असली रूट मिलेंगे, और असली रूट मिलेंगे कौन से रूट्स मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, कैसे रूट्स मिलेंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके अभी अपन थर्ड वाला समझते हैं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी नो रियल रूट्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि यानी जो जब बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे जब छोटा आ जाए, किससे छोटा आ जाए, बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे की नो रियल रूट्स, ये अपन थर्ड वाला समझते हैं, नो रियल रूट्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे, और ये इसके अंदर क्या रहेगा जीरो बड़ा रहेगा, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू क्या रहेगी जीरो से भी कम रहेगी, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की जो वैल्यू है वो माइनस में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये हमारा इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। कुल मिला के जो भी फैक्ट है इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की जो वैल्यू है वो किस में नहीं आनी चाहिए, यानी जीरो से कम नहीं आनी चाहिए, माइनस में बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो उसके कोई रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, यानी उसके कोई जीरो ओके। सारी चीजें समझाती है जो भी इस चैप्टर के अंदर थी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसको ध्यान एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए तभी आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन वाला चैप्टर क्लियर होगा। ओके मैं क्या आपको वीडियो पसंद आया होगी, अगर वीडियो पसंद आई है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।